नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सीएए की। तो देशभर में सीएए लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद अब 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों की राह आसान हो गई है। उन्हें अब आसानी से नागरिकता मिल सकेगी, लेकिन उसमें भी कई तरह के प्रावधान हैं। वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद में संवेदनशीलता बढ़ गई है। सुरक्षा के मद्देनजर आगरा जोन के आईजी दीपक कुमार ने फिरोजाबाद का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है, अगर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शिकोहाबाद नगर में पुलिस ने आईटीबीपी के साथ फ्लैग मार्च भी किया है। जो भी लोग अफवाह फैलाएंगे उस पर हम लोग कड़ी और सख्त कार्रवाई करेंगे। मैंने ये बात जब मैं पिछली 3 दिन पहले आया था तब भी मैंने ये बात कही और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी सोशल मीडिया पर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर कहीं भी किसी तरह की कोई अफवाह फैलाएगा उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। जो यह कानून है, नागरिकता विधेयक जो है, सीए कानून, यह कानून जो लोग भारत के बाहर के, जो इस देश के बाहर के, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो शरणार्थी के रूप में हैं, जिनको धार्मिक आधार पर, जिनके साथ वहाँ पर विद्वेष का भाव पैदा किया गया और वो जो भारत में शरण लेना चाहते हैं, जो शरणार्थी हैं, जो आए हैं। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, साथ ही पीस मीटिंग का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में पीलीभीत के बरखेड़ा थाने में पीस मीटिंग का आयोजन किया गया। ये पीस मीटिंग आगामी त्योहारों के मद्देनजर की गई ही, जिसमें क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और संभ्रांत व्यक्तियों के साथ थाना प्रभारी ने बैठक की, साथ ही लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सभी से त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की गई। थाना प्रभारी ने सभी को हिदायत दी कि कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं करेगा, अगर कोई नई परंपरा शुरू करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में भी आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ चालान भी काटे जा रहे हैं। इस दौरान हर एक पॉइंट पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। एसएसपी अभिषेक सिंह खुद कमान संभालकर गाड़ियों की चेकिंग करते हुए नजर आए। इस दौरान पुलिस ने डिब्बों में पेट्रोल डीजल लेकर जा रहे लोगों को पेट्रोल डीजल को जब्त भी किया गया। कुल मिलाकर 9 जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 2 कंपनियां भी तैनात रहीं। आज जनपद मुजफ्फरनगर के शहर इलाके में हमने नाकाबंदी का प्लान करके चेकिंग कराई है। यहाँ पर हमारे पास पुलिस लाइन की 2 QRTs, पुलिस ऑफिस से तोड़े गए पुलिस बल की 3 QRTs और 2 CAPF की कंपनी, जिसमें ITBP और CRP की कंपनियां हमारे साथ यहां डिप्लॉयड है। ये पूरी चेकिंग जनसामान्य में इलेक्शंस के दौरान आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और किसी प्रकार के भी अवांछित एंटी सोशल एलिमेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए है। आगामी त्यौहार सकुशल संपन्न होंगे और पब्लिक को लॉ एंड ऑर्डर में भरोसा रहे, इससे ये सघन चेकिंग अभियान कराया जा रहा है। इस समय जनपद के शहर इलाके में खासकर 9 स्थानों पर CAPF के साथ हमारी ज्वाइंट चेकिंग चल रही है, जिसमें हम एक एक व्यक्ति और एक एक गाड़ी की तलाशी। कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी मथुरा के बरसाना पहुंची। उन्होंने बरसाना में कई मंदिरों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने राधा रानी मंदिर का जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, साथ ही रंगोत्सव पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने रंगीली चौक और कटारा चौक पर सभी दीवारों को होली थीम पर रंगने, अतिक्रमण वेंडर्स को हटाने और समुचित सफाई और चौक सजाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि मथुरा वृंदावन जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बरसाना में रंगोत्सव के तहत होने वाले होली के आयोजनों को लेकर सफाई, सुरक्षा, मेडिकल, अग्निशमन, विद्युत से जुड़े उपयुक्त इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। बस्ती मंडल के कमिश्नर अखिलेश सिंह सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में बने दफ्तरों का निरीक्षण किया, साथ ही परिसर के साथ साथ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। व्यवस्थाओं को देखकर कमिश्नर संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि वे साफ सफाई की व्यवस्था और वादों का निस्तारण जो उन्होंने चेक किया है उससे काफी संतुष्ट नजर आए हैं। कमियों की बात आप लोग पहले करते, मैंने आज जो है
यहाँ सिद्धार्थ नगर में शीतकालीन भ्रमण के अंतर्गत कलेक्ट्रेट का जो है निरीक्षण किया है और कलेक्ट्रेट के सभी पटल संयुक्त कार्यालय और जो भी इम्पोर्टेंट पटल हैं उनका निरीक्षण किया है। सामान्य रूप से माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो निर्देश हैं और शासनादेश है उनका पालन यहाँ पर सुनिश्चित कराया जा रहा है और कुछ कोर्ट्स की भी मैंने फाइलें देखी हैं तो कोर्ट्स में भी जैसा कि शासन के जो है निर्देश हैं तत्परतापूर्वक और गुणवत्तापूर्वक जो है वादों का निस्तारण किया जा रहा है। यहाँ साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है। मथुरा में तमंचे से फायरिंग करते एक बदमाश का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो किसी समारोह का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक थाना हाईवे इलाके के नगला बोहरी गांव में एक समारोह के दौरान ये फायरिंग की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो हर्ष, फायरिंग के मामलों पर अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से एक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाता है। 11 मार्च 2024 को एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो के संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि ये वीडियो थाना हाईवे क्षेत्र के नगला बोरा गांव में किसी कार्यक्रम के दौरान बनाई गई है। वीडियो में दिख रहे सोनभद्र से अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जौनपुर से करीब 20 किलोमीटर पहले जलालपुर के पास ट्रक ने बस में टक्कर मार दी थी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने स्थानीय प्रशासन की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जानकारी के मुताबिक 11 मार्च को सोनभद्र से सदर विधायक भूपेश चौबे ने कई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। जो बस हादसे का शिकार हुई वो विंडमगंज से अयोध्या जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही ट्रक ने बस में टक्कर मार दी थी। मथुरा से पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। बता दें कि यह मुठभेड़ छाता थाना इलाके के हुसैनी से पैगाम रोड पर हुई। मुठभेड़ में बदमाश मोहन श्याम पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसके कब्जे से पुलिस ने लूटी हुई बाइक बरामद कर ली है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आज छाता पुलिस को सूचना मिली थी कि विगत में जो मोटरसाइकिल लूट हुई थी उसका एक अभियुक्त मोहन श्याम, जो कि बरसाना का रहने वाला है, आज हुसैनी गांव से पैगाम होते हुए बरसाना की तरफ जाने वाला है। इस सूचना में पुलिस टीम के द्वारा पैगाम रोड पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उस व्यक्ति के द्वारा मोटरसाइकिल से उतर के पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाब पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक गोली उस बदमाश के पैर में लगी। बुलेटिन के आखिर में बात फर्रुखाबाद की भी कर लेते हैं, जहां छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या करने का आरोप लगा है। मामला कायमगंज कोतवाली इलाके के रजपालपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। दरअसल हत्या के बाद आरोपी घर के अंदर खून साफ कर रहा था। जब पड़ोसियों ने खून देखा तो मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।